दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं राणा जी टेक्निकल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैनसमवेयर के बारे में। रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसम ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रैनसम प्लस वेयर। रैनसमवेयर, रैनसम का मतलब है फिरौती, मतलब कि हमसे फिरौती मांगता है। रैनसमवेयर ये काम कैसे करता है? रैनसमवेयर ये अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो ये हमसे हमारे डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, उसके बाद हमसे फिरौती मांगता है कि आप मुझे $1,000 दो कि $2,000 दो, उसके बाद मैं आपके डाटा को डिक्रिप्ट कर दूंगा, आपको की दे दूंगा आपके डाटा के डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन क्या पता उसे जिसने ये रैनसमवेयर बनाया हो उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, हमने पे कर दिया उसके बाद उसने हमें की नहीं दी, हमारे डाटा को डिक्रिप्ट नहीं किया, तो उसके बाद तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों, रैनसमवेयर किन किन को अफेक्ट करता है? रैनसमवेयर बनाने वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उन्हें अटैक किया करते हैं, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी उसके ओनर को, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसके पास बहुत पैसा। वैसे फिलहाल तो ये नॉर्मल यूजर्स को भी अटैक आ रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल हाल ही में हुआ था वॉनक्राई का अटैक, और अभी चल रहा है पीटिया का अटैक चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो रैनसमवेयर का अटैक है ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वॉनक्राई नाम का और पीटिया नाम का जो रैनसमवेयर है ये कंप्यूटर में आता कैसे है, ये कंप्यूटर में कैसे करके आता है? दोस्तों, ये कंप्यूटर में अधिकतर इंटरनेट के जरिए आता है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं उसके बाद किसी अनऑथराइज्ड अगर जगह से हमने किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, अगर ये रैनसमवेयर का कोड उस सॉफ्टवेयर के साथ में इनबिल्ट हुआ जुड़ा हुआ हुआ तो ये हमारे कंप्यूटर में भी रैनसमवेयर का अटैक ला सकता है। तो दोस्तों, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? किसी ऐसी जगह से सॉफ्टवेयर को लेना चाहिए जो कि ऑथराइज्ड हो, जैसे कि अगर हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो हमें प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए, किसी अनऑथराइज्ड जगह से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और अगर हम कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं तो कंप्यूटर के विंडोज में डाउनलोड कर रहे हैं तो विंडोज के स्टोर से ही डाउनलोड करें, तो इस तरह से हम रैनसमवेयर के अटैक से थोड़ा बच सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अगर रैनसमवेयर का अटैक हमारे कंप्यूटर में हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि आपको लग रहा है कि रैनसमवेयर का अटैक हो रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने इंटरनेट कनेक्शन को कट कर दीजिए, क्योंकि ये जो रैनसमवेयर होता है वो इंटरनेट के जरिए ही आता है। दोस्तों, इसके लिए हमको सावधानी रख सकते हैं, जैसे कि प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि हम अपने डाटा को बैकअप रखें। दोस्तों, कोई 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क खरीद लीजिए, उसमें अपने डेली के डेटा को रखते रहिए, स्टोर करते रहिए। तो इस तरह से अगर आपके कंप्यूटर में उसका वायरस का अटैक आता भी है रैनसमवेयर का, तो आपकी जो दूसरी हार्ड ड्राइव होगी उसमें आपका डाटा पहले से स्टोर होगा, तो आपको उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सब था रैनसमवेयर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन या फिर सुझाव हो तो इस नीचे को कमेंट करें।